क्या हाल है दोस्तों। मुझे आशा है कि आप बहुत ही मजेदार होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जिसकी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हाई सेल हो चुकी है, बहुत ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। आपने भी शायद बुक कराया हो, और आपको जानकर या फिर आप बुक कराना चाहते हो, क्योंकि जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, सभी चाहते हैं कि वो पेट्रोल से प्राइसेस हैं उससे पीछा छुड़ा पाए। तो ओला का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो S1, ओला S1 जो उनका एक स्टैंडर्ड मॉडल है, वो 99,999 के एक शोरूम प्राइस के साथ आता है, जो कि 121 किलोमीटर की रेंज क्लेम करी है कंपनी। हम मान के चले तो 20 किलोमीटर की अगर हम कम भी कर देते हैं तो 101 किलोमीटर रेंज आप अगर सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, एक या कुछ लोगों का 2-3 दिन का भी कोटा पूरा हो जाएगा। और अगर आप S1 Pro की बात करते हो तो उसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 181 किलोमीटर, 181 किलोमीटर की रेंज है सिंगल चार्ज पर। तो अगर हम मान के चले 130 किलोमीटर की भी रेंज दे दें, 130 140 की, तो 2-3 दिन का उसका भी कोटा अच्छे से पूरा कर सकता है। बहुत ज़्यादा पैसा बचाने वाले हो अपने फ्यूल के ऊपर। तो और अब पैसे बचाने की अगर हमने बात स्टार्ट करी है तो बात करते हैं सब्सिडी की। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड और ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, तो वो इसी को लेकर सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम काफ़ी व्यूअर्स जो होते हैं हमारे दिल्ली से होते हैं, या फिर काफ़ी व्यूअर्स जो होते हैं हमारे महाराष्ट्र से भी होते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में जो एक शोरूम प्राइस है 99,999 का, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने 5,000 पर किलोवाट आवर, जैसे कि आपको पता हो या फिर मैं बता देता हूँ, ओला S1 में 2.98 किलोवाट आवर की बैटरी है। तो ये एक सर्टेन यूनिट होता है जो एक बैटरी को इंडिकेट करता है कि उसमें कितनी बैटरी है। तो 2.98 किलोवाट आवर बैटरी है, तो गवर्नमेंट ने 5,000 की सब्सिडी दी है तो पर किलोवाट आवर, तो इस हिसाब से उनकी जो सब्सिडी हो जाती है वो 14,900 की है। 99,999 -14,900, तो आपका इफेक्टिव जो प्राइस वह होता है 85,099 रुपीज़, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये कम हो गए। तो अगर देखा जाए तो कोई भी आप नॉर्मल आजकल जो आपका एक्टिवा जुपिटर हो गया, वो भी 80,000 की रेंज में आ रहा है, जैसे काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस हाइक हो चुके हैं। तो आप सिर्फ 4-5 हज़ार या मैक्सिमम 10 हज़ार के अप्रॉक्स विद ऑल एसेसरीज और ऑन रोड जो भी आपको पड़ेगा, 5-10 हज़ार का एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो। बट आपको एक फ्यूचरिस्टिक जिसमें एक बहुत अच्छी स्क्रीन 7 इंचज़ के अप्रॉक्स उसमें स्क्रीन मिल जाती है, तो आपको एक बहुत फ्यूचरिस्टिक स्कूटर मिलने वाला है। ओला ने क्लेम भी करा है कि वो एक बहुत फ्यूचरिस्टिक स्कूटर डिजाइन कर रहे हैं। लाइक 5-10 हज़ार पे कर रहे हो, आपको फ्यूल के प्राइसेस के बारे में आपको आगे टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं S1 Pro की, उसमें आपकी आती है 3.97 किलोवाट आवर बैटरी। तो इस हिसाब से 5,000 × 3.97 19,850 आता है। तो अगर आप उसके एक शोरूम प्राइस जो कि है 1,29,999 रुपीज, उसमें से आप माइनस कर देते हो 19,850, तो आपका आता है 1,10,149। तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 की आप सेविंग कर रहे हो, जो काफ़ी अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छे रेंज वाले जो शायद ही अभी तक इंडिया में लॉन्च हुआ है उस रेंज में। सिंपल वन है बट उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा डिटेल्स है नहीं कि वो कब तक मार्केट में आने वाला है। तो इसकी जो लॉन्च एंड डिलीवरी है वो भी आपकी 25 अक्टूबर से ऐसा माना जा रहा है कि वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट बैच होप सो जल्दी आ जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आपकी जो मैक्सिमम सब्सिडी है वो है 10,000, एंड जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है 31 दिसंबर 2021 तक, तो ये एक्स्ट्रा है 15,000। तो आपको अगर देखा जाए तो 25,000 की सब्सिडी मिल रही है। ओला S1 का आपका इफेक्टिव प्राइस जो है वो आ जाएगा 74,999 रुपीज़, 75,000, मतलब 25,000 की सेविंग्स। एंड सेम फॉर S1 Pro, आप 25,000 सेव करोगे तो आपको प्राइस सीधा आ जाएगा 1,04,999 रुपीज़। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जो आपका 31 दिसंबर 2021 या फिर फर्स्ट 1 लाख व्हीकल्स के लिए ही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी सेम टाइप की सब्सिडी है जो दिल्ली में है। आपको मैक्सिमम सब्सिडी पर 10,000 की लिमिट लग जाती है, दिल्ली में ऐसा नहीं था। तो सब्सिडी वही है 5,000 पर किलोवाट आवर बैटरी और मैक्सिमम सब्सिडी 10,000। तो S1 का आपका प्राइस 10,000 के डिस्काउंट के बाद 89,999 और S1 Pro का 1,19,999। और अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में सब्सिडी आपको मिलती थी 10,000 किलोवाट आवर पर के हिसाब से, बट आपको मैक्सिमम कैप जो मिल जाता है वो मिलता है 20,000 पर। तो आपको इफेक्टिव जो डिस्काउंट मिलने वाला है S1 पर वो है 20,000। मैं पूरी कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो।
और अगर आपको कुछ डाउट्स हो या फिर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मेल भी कर सकते हो मुझे। एंड जो आपका S1 का इफेक्टिव प्राइस हो जाता है वो होता है 79,999, 20,000 का डिस्काउंट काफ़ी अच्छी बात है। S1 Pro पर आपको सेम 20,000 का डिस्काउंट मिलता है, तो आपका इफेक्टिव प्राइस 109,999 हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाले सिटी स्टेट की, तो वो है हमारा गोवा। गोवा में 2/3 ऑफ व्हीकल्स जो है वो 2 व्हीलर्स होते हैं, तो गोवन गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर, 2 व्हीलर्स पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जाए, तो उन्होंने 30,000 तक की सब्सिडी प्रोवाइड करी है। एंड अगर आप अपना पुराना पेट्रोल का व्हीकल स्क्रैप करते हो तो आपको 5,000 एडिशनल डिस्काउंट। तो फटाफट से एक बार गोवा के बारे में बता दो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे व्हीकल्स 2 व्हीलर्स गोवा में होते हैं, तो गोवन गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कैप जो है वो 30,000 पर लगाया है, और उन्होंने किलोवाट आवर पर बैटरी पर 10,000 की सब्सिडी प्रोवाइड करने का वो सोचा है। तो जैसे कि 2.98 हमारे ओला S1 की बैटरी है, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 30,000 तक का डिस्काउंट हो गया है हमारे ओला S1 पर, और जो हमारा S1 Pro है उस पर भी 30,000 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम कैप जो है वो 30,000 की है। तो इस हिसाब से इफेक्टिव प्राइस जो होता है ओला S1 Pro का सबसे सस्ता है गोवा में, जो है हमारा 1,99,999 अप्रॉक्सीमेटली, और S1 का हो जाता है 69,999 जो कि है 70,000, एंड 5,000 एडिशनल अगर आप पुराना व्हीकल 2 व्हीलर स्क्रैप करते हो। तो ये काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट हमारे गोवन गवर्नमेंट ने दिए हैं। बाकी गवर्नमेंट्स का भी देखा जाए तो कुछ ऐसे पीछे नहीं रहे, महाराष्ट्र में भी अच्छा है और दिल्ली में भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको और भी कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।